बना के रखी है, लेकिन इस छवि को तोड़ना है, क्योंकि हम भारत जोड़ने वालों में से है और वो लोग भारत तोड़ने वालों में से है। हम सबको जोड़ने वाले हैं, उन्हों समाज समाज में झगड़ा लगाकर तोड़ने वाले हैं और हम ये कहेंगे कि जो चौहान साहब, शिवराज चौहान साहब, उन्होंने आज अखबार में मैं देखा उनका बयान, मैं शिवराज हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। शिवराज भगवान का नाम तो सभी लोग रख लेते हैं, ऐसे देश में और दुनिया में बहुत से शिवराज हैं, लेकिन जो सभी लोग मानते हैं वो केदारनाथ, जो हमारे राहुल जी गए थे, वो शिवराज को सभी लोग मानते हैं, ना कि शिवराज चौहान को। अपने आप को भी ये लोग अगर भगवान समझते गए तो देश का क्या होगा? एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिवराज हूं, ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का अवतार हूं, शंकर का अवतार हूं, तो ये कहने की बात नहीं है। भाई आपको एक नाम रखा गया है, ठीक है, हर आदमी का एक एक नाम रहता है, उसी नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो वायदा करके ये लोग अपने हुकूमत में आए, 18.5 साल में क्या उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है? बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन वो वायदे उन्होंने कभी निभाया नहीं। भोपाल इतना मशहूर सिटी है, इसका पॉपुलेशन दूसरे शहर से कम हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग दिलदार है और सेक्युलर है, सब मिलके रहने की एक यहाँ की तहजीब है, सब एक दूसरे से प्रेम से रहने का यहाँ का वातावरण है। अगर इस वातावरण को कोई खराब कर सकता है वो बीजेपी और आरएसएस ही खराब कर सकते। अरे हम पूछ रहे हैं इस सरकार को, भाई देश में महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता, और मोदी साहब तो इसमें माहिर है, उन्होंने हमेशा जीते हैं, कहीं भी गए तो भाषण करते हैं, सिर्फ भाषण करना ही उनका काम है, कभी भी उन्होंने देश में क्या हो रहा है, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने महिलाओं आज पौष्टिक आहार, खाना पीना उनको नहीं मिलता, बच्चों को नहीं मिलता, इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। कहीं भी जान दो, मणिपुर में झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके, घर लूट गए,
कारें जल गई, घर बर्बाद हो गए, लेकिन उधर कभी नहीं जाके, कभी नहीं गए। लेकिन इलेक्शन प्रचार के लिए भोपाल में आ रहे चार चार बार, पांच पांच बार, तेलंगाना में जा रहे, और हमारे राजस्थान में जा रहे, ये पांच स्टेट में चार स्टेट घूम रहे, एक स्टेट में तो नहीं गए जो नॉर्थ ईस्ट गए। तो मेरा कहने का मकसद कि सिर्फ इलेक्शन और सत्ता के लिए ही अगर हुकूमत आप करते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं डेमोक्रेसी में। अरे डेमोक्रेसी ये सब मिलके चलाने का है, एक दूसरे से मोहब्बत कर से रहने का है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने तो नफरत की दुकान खोली, और नफरत करते ही रहते हमेशा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है महंगाई को रोक दो, लेकिन वो रोकते नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट आई, आने वाली जरूर है, हम तो 150 के ऊपर जा रहे हैं। कितना? 150 के ऊपर जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई कंट्रोल करेगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी बेरोजगारी खत्म करेगी। इन्होंने तो खूब युवाओं को नौकरी देने को कहा। भाई और बहनों, नौजवानों, मैं हर साल आपको क्या ये दो दो करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे भाई अब तो 10 साल हो गए, कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो देना चाहिए। कहां है नौकरियां? बात करने का ज्यादा, लेकिन काम कुछ नहीं करे, ना नौकरियां है, ना कीमतें कम कर रहे हैं, अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। सोनिया गांधी की कृपा, उन्होंने मनरेगा जैसा स्कीम लाया, उन्होंने गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने पीडीएस स्कीम, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बच्चों के पढ़ाई के लिए एक्ट लाया, ये गरीबों का काम है। आपका एक तो ऐसा काम बताइए, ना देश के लिए लड़े, ना देश के लिए आजादी दिलाए, ना गरीबों का जो तकलीफ है उसको दूर करे, सिर्फ जहां देखो वहां झगड़ा लगाने का। कहीं अगर शांति है, पीस है, वहां अंगार कैसा लगाना वो जानते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हो काड़ी की पेटी को, मैचिस, मैचिस अंग्रेजी बोले तो ये दिया सलाई, काड़ी की पेटी जेब में ही रखते, और उन्होंने एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब काड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो, और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है। लेकिन हम हमेशा, आजादी के बाद भी हमारे गवर्नमेंट हुकूमत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया,
डेमोक्रेसी को मजबूत किया। ऐसे व्यक्ति हमेशा ये कहते थे देश एक रहना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, वो संविधान ऐसा है दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, गरीबों के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए, कोई भी जात के लोग क्यों ना हो, सबके लिए वो एक बहुत बड़ा, मैं समझूंगा वो गरीब लोगों के लिए एक महान ग्रंथ है, उसकी पूजा करो। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, आप लोगों को वोटिंग की पावर नहीं होती थी। अगर आज वोटिंग की पावर मिली है वो बाबा साहब अंबेडकर के वजह से मिली है, जवाहरलाल नेहरू जी के वजह से मिली है। अगर यही, अगर खुदा ना खासा क्या बोलते, अगर पहले रहते, अगर पहली हुकूमत इनके हाथ में आती तो वही पुराने जमाने का जो मनु ने बनाना था कानून, वही कानून चलता था। गरीब लोग गरीब होते थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, घर नहीं मिलता था। लेकिन ये सब मिलने का वायदा कांग्रेस ने किया था, उसको उन्होंने करके भी दिखाया। बड़े बड़े कारखाने बड़े 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 कारखाने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, भोपाल में बनाया, मध्य प्रदेश में अनेक बने, हैदराबाद में बने, कलकत्ता में बने, बेंगलुरु में बने, हर जगह बड़े बड़े कारखाने बने, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन इनो वो कारखानों को बेच के खा रहे और बोल रहे अब आवा तू इधर आ, तो अदानी ये ले, तू एक ले, अंबानी तू एक ले। ऐसे अमीर लोग कितने हैं, उनको एक एक एयरपोर्ट बांट रहे, पोर्ट दे रहे, रास्ते भी दे रहे, पानी भी, लोग आजकल पानी भी बेचने का काम उन्हों ही कर रहे हैं। सब गरीबों के लिए कुछ नहीं। गरीब लोग जो धंधा करते हैं, खासकर माइनॉरिटी के लोग छोटे मोटे धंधे करते हैं, उनके लिए तो सब बंद हो गया। और जो नौकरियां मिलना था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वो रिजर्वेशन के तहत मिलते थे, लेकिन वो भी ये मोदी साहब बंद कर दिए। क्योंकि अगर सरकारी नौकरियां रहे, रेलवे में रहे, पोस्ट ऑफिस में रहे, बैंकों में रहे, इंश्योरेंस में रहे, तो रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन और एक शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले नौकरियां कैसा काटना, वो मोदी साहब देखकर एक एक कारखाना बंद कर रहे या नहीं तो दूसरों को बेच रहे। ये सही है नहीं? 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, लेकिन मोदी साहब वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? स्कूल में है, डिफेंस में है, रेलवे में है, पुलिस में है, हर जगह नौकरी खाली है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। और ये कई छोटा मोटा एक इवेंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, वो कौन सा कि एक 10,000 5,000 लोगों को नौकरी देके, आज तक मैं देखा, मैं भी 52 साल से एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा हूं, मैं कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जो नौकरियां की चिट्ठी बांट रहा, जैसा ऐसा मैं बांट रहा हूं ये नौकरी, चलो आपको क्लर्क की नौकरी मिली, चलो आप, अरे ये तो डिप्टी सेक्रेटरी एक क्लर्क बांटता है भी,
पोस्ट ऑफिस से जाता है तेरी नौकरी हो गई वो, लेकिन इन्हों कर रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट करना है करो, 30 लाख भर्ती करो और लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलने दो। वो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां कर रहे हैं लोग, डेली वेजेस पे कर रहे हैं। तुम्हारा तो पेट भरा, लेकिन दूसरों के पेट पे लात क्यों मार रहे भाई? और मैं और एक बात कहूंगा, लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। कितने दिन चुप बैठेंगे? एक दिन, एक साल, दो साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है, जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहां पर चव्हाण साहब भी वही कर रहे हैं। वो चव्हाण साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी, कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गए थे? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई मां नहीं मिली क्या आपको? ये सब जो कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। साढ़े 18 साल चुप घर में मजे में बैठे, और मैं ये करा, मैं वो करा, क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गई। GST लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए, और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए। आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक होकर मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। हाथ का चिन्ह है राइट हैंड से, हाथ हाथ का चिन्ह है, और इलेक्शन के दिन जाकर हाथ के बटन पर दबाओ। ना जात ना पात, बटन दबाओ हाथ पर, ये चिन्ह पे दबाओ, तुम्हारे किस्मत बदल जाएंगे। नहीं तो फिर हम गुलामों के जैसे रहना पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां तो भोपाल के लोग तो होशियार है, यहां का कल्चर अच्छा है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक होकर रहते हैं। जो अमेरिका जैसा देश आजादी मिलने के बाद 200-300 साल के बाद महिलाओं को वोटिंग का पावर मिला, इंग्लैंड को महिलाओं को वोटिंग का पावर 300 साल पहले मिला, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 50 साल पहले मिला। यानी अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी जब संविधान बनाए, उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, गरीब मजदूर सबको दिया। आज आपकी वोट की कीमत उतनी है जितनी टाटा बिरला, अदानी, अंबानी, फलाना फलाना, उसकी भी उतनी है। लेकिन इतना पावर तुम्हारे पास है, संविधान बनाने वालों ने यह पावर दिया है। मुंह से सिर्फ जय भीम करने से नहीं होता, जय भीम का ताकत बताना, ताकत जब जय भीम की बताएंगे, ये एक एक करके भाग जाएंगे। दलित